प्रदेश के सभी जनपदों में चलाए जा रहे नारी उत्थान केंद्रों में पिछले लंबे समय से पीड़ित परिवारों की समस्याओं का निवारण करने का कार्य चल रहा है। इसमें पुलिस की अहम भूमिका है, जिसके चलते सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं, जो बेहद चौंकाने वाले भी होते हैं। ताजा मामला उस समय सामने आया जब अमरोहा के नारी उत्थान केंद्र में एक मुस्लिम जोड़े का निकाह होने लगा, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल मामला थाना हसनपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां की रहने वाली युवती ने जिशान नाम के युवक के खिलाफ 15 दिन पूर्व शिकायत दर्ज कराई थी कि जिशान ने बहला फुसला कर उसके साथ लंबे समय तक दुष्कर्म किया, और जब पीड़ित ने शादी करने की बात कही तो उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी। पीड़िता की शिकायत को SP कार्यालय से नारी उत्थान केंद्र भेजकर जब दोनों पक्षों से बात की गई तो दोनों के परिवार शादी के लिए रजामंद हो गए, जिसके चलते आज आरोपी युवक ईशान और पीड़ित युवती का निकाह SP कार्यालय परिसर में ही मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार काजी ने करवाया, तो चर्चा का विषय बन गया। शादी के बाद दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे को बधाई दी। इस पर जानकारी देते हुए नारी उत्थान केंद्र प्रभारी संतोष बिश्नोई ने बताया कि दोनों की काउंसलिंग की गई थी, जिसके चलते इनकी शादी संभव हो पाई है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया है। इस शिकायत पर दोनों पक्षों को बुलाया गया था, दोनों पक्षों के परिवार भी आए थे। बाद में दोनों पक्षों ने आपस में विचार विमर्श करके उनका निकाह करा दिया। तो सर, ये जो निकाह हुआ है वो कहाँ हुआ है? यह निकाह उनके परिवार के राजा मंदिर से वहीं कार्यालय में ही हुआ है। इसके नारी उत्थान केंद्र में? नारी उत्थान केंद्र में। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।